दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी एकदम न्यू स्टाइल के ब्रेड रोल। आज की रेसिपी में आपको ब्रेड रोल, पिज्जा और कटलेट तीनों का मजा आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेड रोल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़कर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून बारीक कटे शिमला मिर्च, 1 कप उबला आलू, 1/4 टीस्पून कद्दूकस किया अदरक, धनिया पत्ता, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक और चीज़ डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आप गाजर, मटर, स्वीट कॉर्न और भी सब्जियां डाल सकते हैं। चलिए अब ब्रेड रोल्स को शेप देते हैं। इसके लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेकर कोई भी अपने मनपसंद शेप आप दे सकते हैं। मैं इसे लंबा लंबा रोल कर रही। अब इसे मैदा, नमक और पानी से बनी स्लरी में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर प्लेट में रखेंगे। सारे ब्रेड रोल्स ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, सारे ब्रेड रोल्स बनकर रेडी हो गए हैं। इन्हें आप 10 मिनट फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अचारी मेयोनीज बना लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में मेयोनीज लेंगे और इसमें कोई भी अचार का मसाला 1 टीस्पून डालकर मिक्स करेंगे। ये लीजिए, अचारी मेयोनीज रेडी है। अब हम ऑयल को मीडियम फ्लेम में गर्म करेंगे। ऑयल ना ज़्यादा गर्म होगा और ना ठंडा। इसे चेक करने के लिए ब्रेड रोल्स के एक छोटे टुकड़े को ऑयल में डालेंगे और अगर ये तुरंत ऊपर आ जाए मतलब तेल बहुत गर्म है, और थोड़ी देर बाद ऊपर आए तो तेल परफेक्टली गर्म है। अब हम सारे ब्रेड रोल्स को बैच वाइज मीडियम लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड रोल्स अचारी मेयोनीज़ के साथ खाने के लिए रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, सबको ये बहुत पसंद आएगा।
है ना इसे बनाना आसान। ऐसे ही और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।